वेलकम टू ऑल जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, मैं उनका बहुत ही स्वागत करती हूँ। आप भी मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और हम एक दूसरे को इसी तरह से पॉजिटिविटी देंगे। और मैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो हैं अपने घर पर सेफ होंगे और जो हैं आप लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ वगैरह में इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी लॉकडाउन के कारण कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, किसी का भी वर्क नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने पिकअप पाइल नहीं रखी है, आज मैंने एक डेक रखा है और इस डेक में मैंने कुछ अलग किया है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये इसमें मैंने आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग, उनके डिज़ायर, आपके डिज़ायर और उनके रिग्रेट्स, आपके रिग्रेट्स और फिर ओवरऑल मैं एक फ्यूचर निकालूंगी कि इस जर्नी का, ये जो आपकी जो लव लाइफ की या आपकी जो रिलेशनशिप की जो जर्नी है, इसका आउटकम क्या होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ लोग अभी सेपरेशन में हैं तो फिर उससे शायद ये भी पता चले कि आगे जाके ये जो ये जर्नी है ये किस रूप में आने वाली है, क्या रीयूनाइट होने वाला है या किस तरह की एनर्जीज हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैंने इमेज डाल दी थी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि वॉट इज़ योर फीलिंग्स, ये आपकी फीलिंग्स हैं और ये आपके डिज़ायर्स हैं। तो पहले हम इन दोनों कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये हैं आपकी फीलिंग्स, इट्स अ क्वीन ऑफ सोर्स। तो क्वीन ऑफ सोर्स जो है वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि पहले जो है वो शायद आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, इतनी ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप जो है चीज़ों को क्लियरिटी से देख पाएँ। आपको शायद ये समझ नहीं आता था कि आप किस तरह की एनर्जीज़ में हैं, लेकिन अभी जो है वो ये क्वीन ऑफ सोर्स जो है ये हमें ये बताता है कि ये इस तरह की एनर्जी है कि आप अपनी पावर में हैं और यू नो दैट कि वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आपको किसी भी तरह का इफ़ और बट वाला जो एक मिडिल स्टेटस रख देते हैं लोग कि नहीं हम देखेंगे या हम ऐसा सोचेंगे, हम ऐसा नहीं। दिस पावर इन अ वेरी मच, दिस लेडी इज़ इन अ वेरी मच पावर एंड इनको पता है कि इनको क्या चाहिए और ये अपनी लाइफ के डिसीज़न लेने के लिए, अपनी लाइफ का चार्ज लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पर, लेकिन वो भी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। अभी आपको पता है कि आपको क्या डिसीज़न लेना है, आप किस तरह की लाइफ चाहिए और ये आपके डिज़ायर्स हैं, एस ऑफ वांट्स। आप चाहती हैं कि आप लोग, आपके डिज़ायर्स हैं कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर अगर आपकी पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ में की अगर मैं बात करूँ तो आप चाहती हैं कि आपको एक ऐसा बंदा मिले जो कि बहुत ही लविंग हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो और आपकी, आपको बहुत अच्छे से समझता हो और आपको लाइफ में जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए डिवाइन की तरफ से और वो आपको मिल रही हैं। यहाँ पर ये डिवाइन का हाथ है और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो रिग्रेट्स हैं वो क्या हैं। देखिए, आपका जो रिग्रेट है वो ये है, जस्टिस। आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा किया और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ है। आपको ऐसा लगता है आपने रिलेशनशिप में बहुत दिया, आपने बहुत कुछ किया, आपने, आप जितना कर सकते थे आपने अपना किया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला। जस्टिस चेंज होता है, ये लीब्रा वालों के लिए होता है। तो
लीब्रा जोडियक साइन वाले जो हैं उनके लिए जस्टिस होता है। तो ये जो जस्टिस कार्ड है वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको रिग्रेट है कि आपको लाइफ में कभी जस्टिस नहीं मिला, लेकिन डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि आपको अभी जस्टिस मिलेगा। आपने जितना सहा है, आपने जितना दिया है, अब गॉड आपको उतना देंगे, और ये जस्टिस जो है आपके कर्मों के आधार पर होगा। इट्स डिपेंड ऑन योर कर्मास। तो जो जो हमारे कर्मास होते हैं उनके आधार पर डिवाइन हमें जस्टिस देते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं। उनकी फीलिंग्स हैं ये स्ट्रेंथ, और उनके डिज़ायर्स जो हैं वो ये हैं, यानी कि एट ऑफ कप्स, लेकिन ये मेरे पास रिवर्स में आया था। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की। आपके पर्सन जो हैं ये लियो जोडियक साइन के लिए भी होता है, तो लियो जोडियक साइन के भी देख सकते हैं इसको। तो ये जो है ये आपके पर्सन की फीलिंग है। आपके पर्सन जो है इस टाइम पे बहुत स्ट्रेंथ में है। शायद वो इन इन पास्ट टाइम वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, वो किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेने की स्थिति में नहीं थे। उनकी सिचुएशन या तो ऐसी नहीं थी, या उनकी उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, उनकी पेंटिकल्स की हो सकता, मतलब उनकी मनी का कुछ इशू होगा, या उनकी फैमिली में कोई ऐसा होगा जो कि एग्री नहीं है। लेकिन अभी उनको समझ में आ चुका है कि उनको क्या क्या चाहिए। उनको जो है काफ़ी उनमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और वो अपनी चीज़ों को प्रोसीड करने के लिए उस स्ट्रेंथ को आगे जाके यूज़ करेंगे, और इस स्ट्रेंथ के द्वारा उनको क्लियरिटी मिल जाएगी कि उनको लाइफ में क्या चीज़ चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं आपके पर्सन्स के, आपके जो पर्सन हैं उनके डिज़ायर क्या हैं। उनके डिज़ायर जो हैं ये एट ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है। वो पहले जो है ना, पहले चीज़ों से भाग रहे थे, वो सिचुएशंस का सामना नहीं करना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि ठीक है मैं इस सिचुएशन को टालता जाता हूँ, और बाद में देखूँगा कि किस तरह से चीज़ें होनी है, बाद में सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सिचुएशन से आप क्लोज से देखिए, ये जो है ये पर्सन जो है ये यहाँ से रन अवे हो रहा है। ये यहाँ पर कप पड़े हैं लेकिन वो इनको देख नहीं रहा है, और यहाँ मून की एनर्जी भी है, तो ये सैड है, ये सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं। लेकिन अभी जो ये कार्ड मेरे पास रिवर्स में आया है फ्रेंड्स, तो रिवर्स में आने का मतलब ये है कि अभी वो सिचुएशन नहीं है। वो सिचुएशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाएगा। जब हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाती है, हमारे पास पावर आ जाती है, तो हम सिचुएशन से भागते नहीं हैं, हम सिचुएशंस का सामना करते हैं। इसीलिए ये रिवर्स में आया है। तो अभी आपके पर्सन जो हैं वो स्ट्रेंथ में हैं, और उनका डिज़ायर है कि वो हर तरह की सिचुएशन का सामना करें, हर तरह से वो सिचुएशन को देखते हुए, उस चीज़ का सामना करते हुए चीज़ों को आगे प्रोसीड करें। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है अभी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके क्या रिग्रेट है। तो उसमें यहाँ पर आया मेरे पास द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का जो कार्ड है वो हमें ये बता रहा है कि उनके जो हैं कार्मिक साइकल्स हैं, जो कार्मिक साइकल्स अभी जो चल रही हैं वो अभी जो है वो पूरी नहीं हुई हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि वो आपको पूरी दुनिया समझते हैं अपना, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी पूरी दुनिया हैं, लेकिन उनके पास जो है स्ट्रेंथ नहीं थी पहले, और वो सिचुएशंस का सामना नहीं करना चाहते थे, तो वो सिचुएशन से भाग जाते थे। वो आपको जवाब नहीं देते होंगे, वो कभी भी हो सकता है आपका कॉल काट देते होंगे, या फिर वो आपको जवाब ही नहीं देते होंगे, और आपको हमेशा एक 50-50 वाली सिचुएशन में रख देते होंगे, मतलब कि
यू आर नॉट पास एंड यू आर नॉट फेल, मतलब इन अ मिडिल सिचुएशन, एंड आप हमेशा स्ट्रेस में रहते होंगे कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट टॉक टू मी एंड वाई दिस पर्सन नॉट आंसरिंग मी एनी टाइम ही विल रन अवे, ही वॉज रन अवे. सो फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन है वो आपको अभी जो है उनको रिग्रेट इसलिए हो रहा है कि आप उनकी पूरी दुनिया थी, लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी और वो सिचुएशन का सामना नहीं करते थे. तो इस वजह से उनको अभी ये डर भी हो गया है कि कहीं आप जो हैं आप ना भाग जाएं, आप उनको ना छोड़ दें. तो अभी यहाँ पर ये सिचुएशन भी आ गई है, उनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने जो है चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए ये रिलेशनशिप जो है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं आप उनको छोड़कर अब ना चली जाएं. फ्रेंड्स वाइस वर्सा आप देख लीजिएगा. तो उसके बाद जो है मैंने एक ओवरऑल मैंने एक आउटकम लिया था कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर अबाउट दिस रिलेशनशिप. तो यहाँ पर मैंने जो कार्ड निकाला था, मेरे पास यहाँ पर दो कार्ड जंप आउट कर गए थे. फर्स्ट कार्ड जो मेरे पास आया था ये आया था 9 of Wands का. या सो 9 of Wands मुझे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना उन्होंने काफ़ी वॉल क्रिएट कर लिया अपने तरफ. ये देखिए ये पर्सन जो है यहाँ पे, ये देखिए वॉन्ट्स लगे हैं और ये आगे खड़ा है और इसका फेस देखिए आप, बहुत ही सैड है, बहुत ही डरा हुआ है, काफ़ी फियर में है ये. इनको डर लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मतलब इस बंदे ने बहुत मेहनत की इस रिलेशनशिप पे, चाहे वो पूरी तरह नहीं की लेकिन की, वो इस रिलेशनशिप में रहे, लेकिन अभी उनको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस चीज़ को, मैं इस व्यक्ति को, मैं इस सिचुएशन से जो है उनको बहुत फियर लग रहा है. उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये इंसान मेरे को छोड़ के ना चला जाए. उन्होंने अपने चारों तरफ काफ़ी वॉल क्रिएट कर लिया और वो काफ़ी डिफेंसिव मोड में है. उनको ऐसा लगता है कि बस वो किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं और वो काफ़ी फियर में है इस वक्त. पर अगर वो इस तरह की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे और वो दूसरों से आपसे शेयर करेंगे चीज़ों को कि क्या प्रॉब्लम चल रही है या क्या क्या सिचुएशन थी कि वो आपसे कुछ शेयर नहीं कर पाए या आपको नहीं बता पाए, या उनके पेंटिकल्स की प्रॉब्लम थी या उनकी फैमिली की प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी अगर वो बता देते हैं तो आउटकम ये है. इट्स अ 4 of Wands एंड इट्स अ मैरिज कार्ड. अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज का कार्ड है. अगर आपकी मैरिज हो रखी है और आप सेपरेशन में हैं तो आप अपने पर्सन के पास वापस जाएंगे. सी फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी कार्ड ऑल्सो, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे व्यूअर्स हैं, ये उनके लिए भी रीडिंग हो सकती है क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है. और 4 of Wands ये एक शादी का कार्ड माना जाता है, इट्स अ मैरिज कार्ड. तो ये आपका फ्यूचर है. अगर आपके पर्सन इस तरह के डिफेंसिवनेस की एनर्जी, इस फियर की एनर्जी को छोड़ देते हैं तो डिवाइन ने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रखा है. तो फ्रेंड्स, अभी मैं देखती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनके लिए कुछ हम लेटर्स निकालेंगे, कुछ देखेंगे कि एंजल्स उनको और आपको क्या बताना चाह रही हैं. देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहती हैं. सो प्लीज़ गॉड हेल्प कीजिए. वन मोर कार्ड. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरे पास दो कार्ड्स आए हैं. पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो ये है सोलमेट. क्योंकि देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन भी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड मेरे पास आया था, ये कार्ड एक सोलमेट कनेक्शन होता है, बहुत ही प्योर कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी वालों का भी होता है. तो ये एक सोलमेट हैं आपके, जो कि डिवाइन ने आपके लिए ये तय कर दिए हैं
ये आपकी डेस्टिनी में है। ओके सो आपको एंजल्स ने ये बताया है कि वो आपके सोलमेट हैं, और जो आपके जो पर्सन है ना उनके लिए मेरे पास जो कार्ड है वो आया है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज, उनके अंदर काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं क्योंकि उनकी हीलिंग जो है हो सकता है चल रही हो, क्योंकि जब इस तरह का कार्ड आता है तो हीलिंग का कार्ड होता है, हीलिंग मानी जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, तो वो जो उनकी पहले की थिंकिंग थी, क्योंकि हमने कार्ड्स में भी देखा कि अभी बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत चीज़ों को सिचुएशंस को सामना करने की उनकी इच्छा है, तो इसी कारण से ये दो कार्ड आए हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम कुछ और भी देखते हैं आपके लिए। आइए कुछ हम अल्फ़ाबेट्स निकालते हैं आपके लिए कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स जो हैं, मैं यहाँ कार्ड हटा देती हूँ, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स जो हैं दिखते हैं कौन से अल्फ़ाबेट्स आए हैं। उसके बाद मैं आज चार्म्स से भी रीडिंग दूंगी, कुछ चार्म्स भी निकालूंगी मैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं। ओके मैं यहाँ आपको बताती हूँ, एच हो सकता है आपके पर्सन का या आपका नाम एच से हो, आर हो सकता है, वन, वन जो होता है वो एक न्यू बिगनिंग का कार्ड नंबर होता है, और वन एक स्टार्टिंग होती है, न्यू बिगनिंग, या फिर ये कोई डेट भी हो सकती है। टू या तो आपके पर्सन का बर्थडे नंबर हो सकता है या आपका हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे लेटर एल भी मिला है, यहाँ डी भी है, यहाँ एम है, के, फाइव, सी, ए, डब्ल्यू और ये एट। तो फ्रेंड्स ये कुछ नंबर और अल्फ़ाबेट्स थे। तो अभी हम देखते हैं कि चार्म्स आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं कि चार्म्स में आपके लिए क्या आता है। यहाँ मेरे पास कुछ चार्म्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ चार्म्स आए हैं मेरे पास। सो फ्रेंड्स मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि क्या आया है। ओके पैरेट, ये हमारे पास एक पैरेट आया है, ये देख सकते हैं आप। तो पैरेट का मतलब ये है कि हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वो थोड़ा चुप रहते हैं और आप बात करते हैं ज़्यादा, और ये मुझे एक ऐसे ये सीप सी मिली है, इसका मतलब हो सकता है कि उनको बीच बहुत पसंद हो या आपको बीच बहुत पसंद हो, और ये वाइट कलर है तो ये कि प्योरिटी का भी प्रतीक माना जाता है। ये हमारे पास एक रिंग मिली है, तो हो सकता है वो लॉकडाउन के बाद आपको मिले तो वो आपको कुछ रिंग ऑफर करें, या फिर वो हो सकता है यहाँ पर दो रिंग आई है देखिए, तो हो सक देखिए मैरिज कार्ड भी आया था, तो यहाँ पे फिर कंफर्मेशन है, ये देखिए यहाँ मैरिज कार्ड भी आया था और यहाँ पे दो रिंग भी आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों की, क्योंकि मेरे पास दो रिंग आई हैं ये देखिए चार्म्स में। उसके बाद ये मेरे पास एक पिंक कलर का फ्लावर आया है, तो हो सकता है आपको पिंक कलर बहुत पसंद हो या उनको बहुत पिंक कलर पसंद हो, और या फिर ये फ्लावर है
फ्लावर जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, उसे वो आपको बहुत खूबसूरत समझते हो। और ये यहाँ पर मेरे पास एक लीफ का साइन सा दिख रहा है, तो हो सकता है कि उन्हें ग्रीनरी बहुत पसंद हो, आपको भी ग्रीनरी बहुत पसंद हो। और यहाँ मेरे पास एक मोर आया है, मोर का मतलब ये है कि हो सकता है उनको डांस बहुत पसंद हो या आपको बहुत डांस पसंद हो, क्योंकि मोर जो होते हैं बहुत अच्छा डांस करते हैं। और दूसरा ये है कि हो सकता है उनको नेचर बहुत पसंद हो या आपको वो नेचर बहुत ज़्यादा पसंद हो। और मोर जो होता है ना, वो कृष्णा का भी प्रतीक होता है। आपने देखा होगा मोर के पंख जो होते हैं, तो हो सकता है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि कृष्णा जो है, लॉर्ड कृष्णा जो है, वो आपको कुछ बताना चाहते हो, आपको कुछ सिंबल देना चाहते हो आपकी जो लाइफ की जर्नी है। तो आपको थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ों में जाइए। अपन और देख लेते हैं, वो आपको ये देखिए, इसके अंदर ऐसा लग रहा है कुछ डायमंड जैसा है, आस पास से देखिए तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत ही पेशेंस समझते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डायमंड जैसे हैं, उनको बहुत संभाल के रखना चाहिए। और यहाँ पे एक फ्लावर भी है खूबसूरत सा, तो सीटा आपको बहुत फ्लावर पसंद हो। ये पिंक कलर आ गया फिर दोबारा से। हाँ, उसके बाद ये यहाँ पर मेरे पास चेन आई है, तो ये चेन यहाँ पर ये बता रही है कि आप और वो जो है एक ऐसे रिश्ते में, ऐसे मैग्नेटिक कनेक्शन में है कि आप चाहते हुए भी इस चेन से अलग नहीं हो पा रहे हैं। ये जो चेन है, ये डिवाइन के द्वारा दी गई है, तो इसलिए आप चाहे अलग होने की कोशिश भी करें, आप नहीं हो पाते हैं। और ये फिर दोबारा मेरे पास एक लीफ आ गया, तो हो सकता है कि उनको भी बहुत ज़्यादा नेचर पसंद हो और आपको भी नेचर बहुत ज़्यादा पसंद हो। लीफ का आकार है ना, कुछ और देखते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा भी आ गए हैं मेरे पास, ये देखिए, मोर भी आया था, कृष्णा भी आया है। तो वही मैंने कहा कि आपको लॉर्ड कृष्णा कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा अकेले में वक्त बिताइए और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। हो सकता है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। तो यहाँ पर मेरे पास ना अभी एक ये स्टार भी आया है, ये देखिए, छोटा सा स्टार है। तो ये जो स्टार का मतलब ये, वहाँ न्यू बिगनिंग होती है हमारे में, कार्ड्स में, टैरो के कार्ड्स में जो है न्यू बिगनिंग का मतलब होता है स्टार, और स्टार का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग, तो आई होप यू लाइक इट एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स ऑल जर्नल रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इनबॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए अपने घर में, और लाइफ को थोड़ा इन्जॉय करने की कोशिश कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।